मेरे रास्ते से हट जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप की बहन हैं। एमरोपे का एक्सीडेंट हो गया है तो मम्मी डैडी हॉस्पिटल गए हुए हैं, बस अब आ जाए मेरे पास। एक्सीडेंट, अहमर का एक्सीडेंट? ये लो अशर, गरम गरम चाय पियो ताकि तुम्हारे सर का दर्द दूर हो जाए। शुक्रिया। वैसे आपा, आज मैं जिस शादी से भी वापस आया हूँ ना, हाँ वो शादी काम एक मोहम्मद ज्यादा लग रही थी। मैं समझी नहीं। पहले मैं तो समझ लूं, आपकी बारी देर बाद आएगी। अच्छा तुम मुझे फजूल में सस्पेंस में डाल रहे हो। आपने तो कहा था आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो इतना भारी लव सस्पेंस आपने एक ही सांस में कैसे कह दिया? मैं बेशक पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन ये लव्स मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। आपको पता है मैंने 3 महीने पहले ये फिल्म देखी। अच्छा चाचा, याद है मैंने सालन चढ़ाया हुआ चूल्हे पे, मैं जा रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है, आप सालन चढ़ाए ऊपर, लेकिन मेरी फिल्म की स्टोरी आपके सालन से ज्यादा मजे की है। और अगर आप अगले 2 मिनट में यहाँ वापस ना आई तो मैं अंदर आके आपको पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाऊंगा, वो भी 4 गानों के साथ। आपा वैसे खाना जल्दी बनाइएगा, क्योंकि वहां सिर्फ सादगी थी और लाल शरबत। शोभी मुझे बताओ वो कौन से हॉस्पिटल में है, उसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ऐसा करें कि आप हमीद पापा से पूछ लें, शायद मम्मी ने उनको कुछ बताया हो। हाँ ठीक है शोभी, उन्हें जल्दी फोन दो, मेरी बात करवाओ। हमीद बाबा, हमीद बाबा। जी साहब जी। ये ले आओ। जी सोफिया जी। हमीद बाबा, अहमद कौन से हॉस्पिटल में, क्या हुआ है उसे? नहीं जी मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है तो मैं खुद आ जाती हूँ घर। अरे नहीं नहीं सोफिया जी, ऐसा गजब मत कीजिएगा, यहाँ सब लोग ना बहुत परेशान है, मामला कहीं और ज्यादा ना बिगड़ जाए आपके आ जाने से। मैं ये रात कैसे गुजारूंगी, आप मुझे उसकी खैरियत बताते रहिएगा। हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। आहों में डूबा दिल ये हमारा, कोई ना किनारा, लाज सहारा मैं ढूंढूं कहाँ, सारी खुदाई देगी दुहाई। अहमर मुझे माफ कर दो। बाजी मैं दुल्हन के कमरे में चाय दे आऊं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो छुट्टी करो और अपने घर जाओ। पर बाजी भी तो आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया, मैं इंतजार कर लेती हूँ। नहीं हाजरा, वो तुम जानती हो ना कि ये शादी अचानक हुई है, इसलिए घर में तुमने अभी जो कुछ भी देखा है इसका जिक्र किसी से मत करना। बाजी आप परेशान मत हो, अल्लाह पाक हमारे हदीस साहब की जिंदगी में बहुत सी खुशियां लेके आएंगे, मैं दिल से उनके लिए दुआ करूंगी। हजरा बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से घर वालों के लिए मिठाई ले जा। हाँ जा। हदीर जाओ जाके उसे देखो, और सुनो जो होना था वो हो गया, अब कोशिश करो कि किसी तरह से उसका दिल जीतो और तुम्हारी तरफ से उसका दिल साफ हो। मैं भी यही सोच रहा हूं। थैंक यू दानिया, इस वक्त चाय की बहुत शदीद जरूरत थी मुझे। जो सदमा तुम झेल कर आई हो, ऐसे मौकों पर चाय ही मसीहा लगती है।
अम्मी अब्बा सो गए क्या? हाँ, शुक्र करो अम्मी ने अब्बा को मसरूफ कर दिया अपने किसी दोस्त की बीमारी का किस्सा सुनाने में। तुम उनके ज्यादा सवालों से बच गई हो। सच तानिया, मेरा तो दिल जैसे काबू में ही नहीं आ रहा। सांस तो नहीं लगता है ये सोच के कि इस वक्त वो अतीत के कमरे में होगी, उसके साथ। आज की रात बहुत भारी है मेरे लिए। दान किसी शायर ने सच ही कहा है, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। सोबिया, अगर मेरे अहमर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। सोबिया दरवाजा खोलो, मामा खाने के लिए बुला रही हैं। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत, शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे। जाओ यहाँ से बेटा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अच्छा मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन लेकिन तुम मामा के साथ कुछ खा लो। कह दिया ना, लीव मी अलोन, जाओ यहाँ से। सोबिया, हॉस्पिटल से नुसरत आंटी का फोन आया था। सोबिया, अहमर इज नो मोर। तुमने मारा है उसे। मर गया अहमर, तुमने मारा, तुम्हारी वजह से मरा है वो। तुम वो कातिल, तुमने मारा है उसे, मारा है ना तुमने अहमर। हदीद को भी जान से मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। यार अल्लाह, अरे तुम उठ गई, मैं तुम्हें जगाने ही आ रही थी। भूख नहीं है मुझे ये बताएं
अहमद खतरे से तो बाहर है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। अल्लाह खैर करे, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? अनजान बनने की जरूरत नहीं है, कल रात उसका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तो कुछ नहीं पता, तुम्हें किसने बताया? जिससे दिल के तार जुड़े हो उससे बेखबर रहा जा सकता है? या अल्लाह, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अहमद का कैसे एक्सीडेंट हुआ है? अरे वो कैसा है सोबिया? रुको, तुसे ही कहाँ जा रही हो सोबिया? अरे सोबिया बाजी, आप कैसे आ गए अचानक? कहाँ थे आप? सारी रात मैं आपको कॉल्स करती रही और आपने मेरी एक कॉल का जवाब नहीं दिया। अरे सोबिया बाजी, आहिस्ता बोले। साहब और बेगम साहिबा अभी हॉस्पिटल से आकर सोए हैं और सारी रात उनके हॉस्पिटल में गुजरी है। अहमद कैसा है? वो बच तो जाएगा ना? जी वो होश में आ गए हैं और खतरे से भी बाहर हैं, अहमद मियां अल्लाह के फजल से। या अल्लाह तेरा शुक्र। सुबिया बाजी, मेरे ख्याल में ना आपको भी वापस चले जाना चाहिए। अभी कुछ दिन ना आप ना अपने ससुराल में ही सब्र बर्दाश्त से गुजारें, बड़े साहब मान जाएंगे तो खुद ही सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? पता नहीं मेरा बेटा क्या हाल होगा, कैसे पता करूं? उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत कर। मामा, सोबिया अपने कमरे में नहीं है, आपको बताकर गई है कुछ? इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो, मैं बहुत अजियत में हूँ, बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। क्या हुआ है? सब खैरियत है? अहमद का एक्सीडेंट हो गया है, मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती और भाभी के डर से मैं वहां जा भी नहीं सकती। ये क्या कह रही हैं आप? श्याम भाई कितने परेशान होंगे, हम दोनों बहन भाइयों ने हमेशा एक दूसरे के साथ सुख दुख में हिस्सा लिया है, मगर आज सोबिया भी हॉस्पिटल गई है और अहमद कौन से हॉस्पिटल में है? उसको भी सिर्फ एक्सीडेंट का पता है, शायद अभी वो अपने घर गई होगी। मैं शाम मामू को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, उनको कॉल मत करना, तुम्हारी आवाज सुनकर और भड़क उठेंगे। मेरी बीमारी का सुनके उनका दिल मोम हुआ था, तुम ऐसा करो मेरी उनसे बात करवा दो। मामा, मां आपकी तबीयत की खराबी की वजह से मुझे एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मुझे एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ा था वरना आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाती। उनका फोन आया था और मैंने आपको नहीं बताया। उन्होंने बहुत बुरी बुरी बातें की हमारे बारे में और मुझसे ये उनकी बातें बर्दाश्त नहीं हुई। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे, क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। इशरत, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे बेटे की जान बच गई है, चोटें इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बस कर दो, जहन्नुम में झोंक दो उस बेवफा लड़की को, खुदा के लिए हमारी खातिर भूल जाओ उसे, एक नई जिंदगी शुरू करो अहमद, भूल जाओ। बेटा, अब तुम्हें उससे इतनी शदीद नफरत हो जानी चाहिए कि तुम्हारे दिल से वो खुद बखुद दबे पांव बाहर निकल जाए। बाबा, जब मैंने उसे दुल्हन के रूप में देखा था ना, तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठा था। वही दर्द नफरत में बदलने लगा, नफरत में। अहमद बेटा, हौसला करो यार, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हौसले से काम लो, अम्मा की हालत देखो। मुझे खुशी देकर
वापस छीन लेने से तो बेहतर था उस वक्त तुम मुझे सच बता देते। मामा मैं क्या करता, क्या करता मैं? मुझे डॉक्टर ने कहा था कि वो बहुत तो इस अजियत से बेहतर होती ना जो मैं अब सह रही हूँ। श्याम भाई के बिना कैसे रहूंगी, पता नहीं हेमर का क्या हाल होगा। मैं कैसे पता करूं, किससे पूछूं, बताओ। पता नहीं है बच्चा किस तकलीफ में होगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कैसे पता करूं मैं मेरे बच्चा किस हाल में। अंजलि पापा कहाँ जा रही हैं आप, और वो भी इस वक्त? मेरी एक जानने वाली हैं, बहुत अच्छे रिश्ते करवाती हैं, मैं उनसे मिलने जा रही थी। आप भी कमाल करते, आपको पता है ना कि मैंने ऐसे शादी वादी नहीं करनी। और बाय द वे अब जाएंगी कैसे? रजिया बाजी ने मुझे एड्रेस समझाया हुआ है अशर, वो पुराना मोहल्ला नहीं है, वहीं पे उनके नजदीक ही है। आप रुकिए मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। लेकिन खुदा के वास्ते मेरी बहन, वहां जाके कोई रिश्ते का सीन मत करना। तुम तो सारा दिन निकल जाते हो अशर, पूरा घर है ना मुझे काट खाने को दौड़ता है। तो आप सिर्फ इसलिए मेरी शादी कराना चाहती हैं? हाँ यही समझो। अब जल्दी आना चाबी लेके। आखिर सोबिया कहाँ चली गई, मेरा फोन भी नहीं उठा रही और ना ही नुसरत खाला मेरी कॉल रिसीव कर रही। क्या वो अहमर को हॉस्पिटल देखने चली गई? नहीं नहीं, वहां तो उसकी कोई सूरत देखने का भी रवादार नहीं होगा। कहाँ जाऊं उसे ढूंढने, सुल्तान अंकल ने तो कल चलते हुए सख्ती से मना कर दिया था कि आइंदा सोबिया समेत कोई भी इनके घर में कदम ना रखे। जिंदगी मुझे कितने भयानक मोड़ पर ले आई है। अपने ही घर में एक अजनबी की तरह खड़ी हुई थी मैं। दिल कैसे खौफ से धड़क रहा था कि डैडी कहीं आकर मुझे घर से जाने को ही ना कह दें। और अहमर किससे पूछूं कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। अहमर मैं बस तुम्हें एक नजर देखना चाहती हूँ, मेरी हर सांस तुम्हारा नाम पुकार रही है। एक जान की सी कैफियत है मेरी। भूल जा आखिर कहां चली गई थी तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हम सब लोग कितना परेशान हो रहे थे? क्यों परेशान हो रहे थे? मैंने ठेका नहीं उठा रखा तुम्हारी परेशानी का। कभी कभी जाकर अपनी बेटी से मिल लिया करो, लेकिन इस घर में आने के लिए मैं उसे इजाजत नहीं दे सकता। आज उनकी नई जिंदगी की पहली सुबह, फूलों की सेज पर गुजरी उस रात की सुबह जिसके ख्वाब मैंने देखे थे। भूल जा